वीर वीरमदेव राज कृष्णा तकोतर महाविद्यालय जालौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने गद्य विधा के अंतर्गत कहानी की सामान्य पृष्ठभूमि, कहानी के प्रमुख अंगों तत्वों यथा कथानक, जिसे विषय वस्तु कहा जाता है, देशकाल, वातावरण, चरित्र चित्रण जो कथानक को आगे बढ़ाते हैं, संवाद अथवा कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य के बारे में विस्तार से बातचीत की है। आज के वीडियो में हम हिंदी कहानी के विकास क्रम की यात्रा को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि संस्कृत में कहानी के गल्प अथवा आख्यायिका के संकेत मिलते हैं और वर्तमान जो कहानी का स्वरूप है, इसकी यात्रा को हम 100 वर्षों के अंतराल, 100 वर्षों के मोटे समय सीमा के अंतर्गत मान सकते हैं। हिंदी कहानी के विकास क्रम को समझने के लिए हमें कहानी की पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। 19वीं शती में यूरोप में आधुनिक कहानी का आरंभ माना जाता है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कहानीकार जर्मनी के जो है ईटीडब्ल्यू ऑफमैन, उनका नाम आता है। और यदि हम हिंदी कहानी की बात करें तो वर्तमान स्वरूप अंग्रेजी की जो शॉर्ट स्टोरी है उससे गुजरता हुआ यह जो स्वरूप हिंदी में हमें पढ़ने सुनने को मिलता है। हिंदी कहानी के विकास क्रम के अंतर्गत आरंभिक हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी, समकालीन हिंदी कहानी के अंतर्गत ये विभाजन किया गया है। इसके साथ ही हिंदी की प्रारंभिक कहानियों और उपन्यासों में भेद करना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि हिंदी कहानी और उपन्यास के जो तत्व है वो समान है, लेकिन उसकी जो विषय वस्तु और जो उद्देश्य है उनके आधार पे विभाजन प्रारंभिक चरण में बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है। शुरुआती दौर में इंशा अल्लाह खान की जो रानी केतकी की कहानी जो 1803 ईस्वी समय मिलता है, तो इसे शुद्ध कहानी के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, माना जा सकता। इसी तरह से शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत वामा मनोरंजन तथा राजा भोज का सपना जो 1886-1887 ईस्वी की रचना है, तो इन रचनाओं में रोचकता है, व्यंग्य है और तत्व भी मौजूद है, लेकिन इन्हें प्रारंभिक शुद्ध कहानियां नहीं कहा जा सकता। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हमें आरंभिक कहानियों को इस तरीके से समझना होगा कि हिंदी की कहानियों की जो विकास यात्रा का जो मोटा समय है वो 100 वर्षों की यह यात्रा है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था कहानी जो 1915 में प्रकाशित हुई है, शिल्प विधान और वातावरण उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण, प्रौढ़ और उत्कृष्ट रचना मानी जाती है आधुनिक काल में। और हिंदी की आरंभिक हिंदी कहानियों की बात करें तो आरंभिक कहानियों में इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी इत्यादि ये प्रारंभिक मौलिक कहानियां मानी जाती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। कहने का अभिप्राय यही है कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शोध, अपने विवेक, अपने तरीके से ये जो स्क्रीन पर आप कहानियां देख रहे हैं,
इनको अपने तरीके से उन्होंने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियाँ माना है। तो प्रश्न यदि परीक्षा में यह आता है तो आपको विद्वान का नाम लिख करके उनकी राय लिखनी है, जैसे जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय जो कहानी उसे हिंदी की प्रथम कहानी मौलिक कहानी मानते हैं। तो आज हमने कहानी की जो विकास यात्रा है उसके बारे में बातचीत की। इससे आगे के वीडियो में हम गद्य की अन्य विधाओं के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।